दोस्तों, आखिर अंकिता लोखंडे के जो ससुर हैं उन्होंने आखिर अंकिता लोखंडे को लेकर ऐसी कौन सी बात अब बोल दी है जिसके बाद आज सोशल मीडिया पर सभी लोग अंकिता लोखंडे की बुराई कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिग बॉस 17 में एक कपल आया हुआ है जिनका नाम है अंकिता लोखंडे और विक्की जैन। ये दोनों पति पत्नी बिग बॉस 17 की गेम खेलने के लिए घर में आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि अब अंकिता लोखंडे के जो पति हैं विक्की जैन, उनके पिता यानी जो अंकिता लोखंडे के ससुर हैं, उन्होंने अंकिता लोखंडे पर एक बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया है। एक ऐसा इल्जाम जिसके बारे में सुनकर शायद आप सब में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अंकिता लोखंडे की बुराई करना शुरू कर देंगे। लेकिन दोस्तों, आखिर अंकिता लोखंडे के ससुर जी ने अंकिता लोखंडे पर ऐसा कौन सा इल्जाम लगाया है जिसके बाद आज हर कोई अंकिता लोखंडे की बुराई कर रहा है सोशल मीडिया पर, चलिए पूरी पूरी जानकारी देते हैं आपको इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि बिग बॉस 17 से जुड़ी हुई हर लेटेस्ट और बड़ी से बड़ी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिग बॉस 17 में इस वक्त कपल्स वर्सेस सिंगल्स की गेम खेली जा रही है और यहाँ पर जो कंटेस्टेंट घर में आए हुए हैं वो सभी के सभी लोग अपने लिए खुद खाना बनाते हैं, किचन में खुद काम करते हैं। लेकिन बात करें यहाँ पर अंकिता लोखंडे की, तो अब अंकिता लोखंडे के जो ससुर जी हैं उन्होंने अंकिता लोखंडे पर ये इल्जाम लगाया है कि जब अंकिता लोखंडे की शादी मेरे बेटे के साथ होने जा रही थी और जब हम अंकिता लोखंडे को देखने गए थे तो मुझे इस बात का बेहद दुख लगा था कि अंकिता लोखंडे को चाय तक बनाना नहीं आती है, अंकिता लोखंडे को खाना भी बनाना नहीं आता है, जिसकी वजह से मैं बेहद परेशान हो गया था। और मैंने अंकिता लोखंडे के घर वालों को ये भी कहा था कि अगर लड़की को खाना बनाना नहीं आता है तो फिर वो क्या करेगी और उसे खाना बनाना सीखना चाहिए। साथ ही साथ आपको बता दें कि अंकिता लोखंडे के ससुर जी ने अंकिता लोखंडे पर ये भी इल्ज़ाम लगाया है कि इसे ना तो खाना बनाना आता है और ना ही इसे घर का कोई और काम करना आता है जो घर की एक औरत करती है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, जब से अंकिता लोखंडे के ससुर जी ने अंकिता लोखंडे पर यह इल्जाम लगाया है तब से आज हर जगह हर सोशल मीडिया पर अंकिता लोखंडे के फैंस जो हैं वो कहीं ना कहीं बेहद दुखी भी हो गए हैं और अंकिता लोखंडे की बुराई भी कर रहे हैं। अंकिता लोखंडे के ससुर जी ने तो अंकिता लोखंडे को लेकर यह भी कह दिया है कि मेरी तो मर्जी ही नहीं थी अपने बेटे की शादी अंकिता के साथ करवाने की, क्योंकि मुझे बेहद डर था क्योंकि हम मुंबई के रहने वाले नहीं हैं और जब मुझे इस बात का पता चला कि मेरा बेटा अंकिता के साथ शादी करने जा रहा है तो मुझे इस बात का बेहद डर लग गया कि अब मेरा बेटा कहीं मुंबई ही अंकिता के पास बैठने के लिए, उसके साथ रहने के लिए ना चला जाए। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो कुल मिलाकर बात करें तो यहाँ पर अब आपको बता दें कि इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर हर जगह चर्चे फैल चुके हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। फिलहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अंकिता जो घर में आई हुई है क्या अब उन्हें यहाँ पर खाना बनाना सीखना चाहिए या फिर नहीं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और बिग बॉस 17 से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।